हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लेंगे कमोडिटीज़ की इवनिंग अपडेट। आगे आज की रणनीति के ऊपर डिस्कशन करने से पहले, इवनिंग की रणनीति के ऊपर डिस्कशन करने से पहले, हमने मॉर्निंग के लिए क्या रणनीति बनाई थी, क्या हुआ, कहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कहाँ पर लॉस हुआ, और क्या पोजिशन ओपन है, और कहाँ पर क्या लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, पहले उसका ओवरव्यू कर लें, फिर आगे की बातचीत करते हैं। बहुत टफ वीक जा रहा है मेरे लिए भी और मंदी वालों के लिए भी। खैर कोई बात नहीं, हर दिन तो दिवाली नहीं हो सकती, ये तो आप लोगों को पता है। साल में एक ही बार दिवाली आती है, बाकी दिन हम लोगों को छोटे छोटे त्यौहार मनाने होते हैं। चलिए बात करता हूँ सुबह हम लोगों ने क्या किया था। क्रूड में आप लोगों को कहा था मैंने 3735 के आसपास जो भी हमारा सेल पोजिशन होल्ड है उन सबको मैं अपनी परफॉर्मेंस शीट में ज़ीरो कर दूंगा। अभी तक वो ज़ीरो नहीं हुई है। और आप लोगों को ये भी कहा था 3775 और 80 के बीच में एक लॉट सेल इनिशिएट करूंगा, क्योंकि हमारे पास कॉपर कोई कुछ होल्ड नहीं है, मार्जिन फ्री है, तो हम एक क्रूड ले सकते हैं। तो 3775 की मैंने एक सेल की एंट्री ले ली अपने परफॉर्मेंस शीट में। अब आगे जो मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा वो आप सुनिएगा। तो हमारे पास एक क्रूड फ्रेश सेल हुआ है और कल का हमारे पास ऑलरेडी होल्डिंग पड़ा हुआ है। चलिए नेचुरल गैस क्रूड का हाई लो क्लोज बता देता हूँ। क्रूड का हाई पोस्ट हुआ है 3779 का डॉट निकाला हुआ फिगर, और लो 3710 का जो कि ओपन मार्केट का है। ओपन होने के बाद ये नया लो 45-43 के नीचे नहीं जा पाया, और मैंने कहा था आप लोगों को मुझे लग रहा है 75-80 के बीच का फिगर ज़रूर पोस्ट करेगा। चलिए अभी तक तो सच हो गया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। नेचुरल गैस का लो पड़ा है 139.90, 141.50 का हाई पोस्ट हुआ है। नेचुरल गैस आप लोगों को जो भी 141 के आसपास तक, 141 तक के दायरे तक जिस किसी ने भी कल सेल की थी उसको कहा था 140 के आसपास एग्जिट कर जाओ, क्योंकि क्रूड में ऑलरेडी पोजीशन है और ज़्यादा पोजीशन बढ़ानी नहीं है जिससे ज़्यादा टेंशन माइंड में प्रेशर डेवलप हो। तो इसलिए एनजी को ज़ीरो करवा दिया था। ऐसा नहीं कि एनजी में मैं कोई तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो बोल के ही रखा हूँ आप लोगों को और ऊपर मिले तो और बेचेंगे। तो देखिए 10-5 रुपये ऊपर नीचे कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 200 रुपये हो जाएगी, 160 रुपये हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेंड अभी भी डाउन है। चलिए खैर नेचुरल गैस हमारे पास कुछ भी नहीं है। गोल्ड आप लोगों को सेल करने कहा था 520 के आसपास, 5601 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने कहा था, और 300 आपको टारगेट क्या दिए थे मैंने, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन 290 के। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 41619, लो पोस्ट हुआ है 41350, ये भी सुबह का ही लो है, नया लो क्रिएट नहीं किया है, हाईस ने क्रिएट किया है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ एक घंटा पहले टेंटेटिव 601 के स्टॉप लॉस से मैंने 701 का स्टॉप लॉस करवा दिया है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट चलता है, जैसे जैसे मार्केट में नए पैटर्न्स डेवलप होते हैं, वैसे वैसे लेवल्स भी चेंज होते चले जाते हैं। तो 701 का स्टॉप लॉस करवा दिया है, उनका पोजीशन होल्ड है, लेकिन मैंने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 601 का स्टॉप लॉस हिट करवा दिया है। गोल्ड में अभी कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है, तो गोल्ड में कुछ 70-80 रुपए का लॉस हुआ है। बात करते हैं सिल्वर की, तो गोल्ड में पोजीशन जीरो है, क्रूड ओपन है, नेचुरल गैस जीरो है। सिल्वर अपन ने 590-650 की रेंज में सेल करने कहा था, आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 47710, लो है 47285। टारगेट मैंने दिए थे आप लोगों को सुबह 47050 के और 46900 के। सिल्वर सेल इनिशिएट हो चुका है, लेकिन हमारा कुछ भी अभी प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, और सिल्वर अभी हमारे बोले हुए रेंज से करीब करीब 100 रुपये के आसपास नीचे है। तो चलो वहाँ एक मुनाफा हो रहा है, और क्रूड भी नीचे आ ही रहा है धीरे धीरे। कॉपर अभी चल रही है 431.35, कॉपर का हाई 433.95 का पोस्ट हुआ है, 431.30 का लो पोस्ट हुआ है। कॉपर में कोई भी रणनीति नहीं बनाई थी और आप लोगों को कहा था स्टे अवे। चलिए अब बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ आज इवनिंग के लिए क्या अपडेट आ रही है और जो हमारी पोजीशन है उसके साथ हमको क्या करना है। क्रूड के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 3720 और 3700 और 3645। आज क्रूड की एक्सपायरी है,
रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 4778 जो आप लोगों को सुबह दिया था, और रेजिस्टेंस वापस से दूसरा भी रेजिस्टेंस सेम है 3808। तो 3810 के अगर आसपास अगर 3810 का भाव पोस्ट करता है तो हम अपनी सारी सेलिंग पोजीशन को निल कर देंगे, और 37 पहले मैंने आप लोगों को 3735 में प्रॉफिट लेने कहा था, अब वो 3720 के आसपास प्रॉफिट लेंगे 3720 के आसपास। और दूसरा जब पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 3720, दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 3700, तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 3645। तो 3720 के आसपास मैं एक बार सारी पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा, जो भी हमारी कल से सेल है और जो हमने अभी फ्रेश अपर लेवल में ऐड की है। तो ये हुई हमारी क्रूड की रणनीति, क्लियर एंड लाउड है। नेचुरल गैस अभी चल रही है 140.30, आप लोगों को सुबह कहा था 140-180 के आसपास सेल करने में, 140-150 का हाई पोस्ट करिए, अभी 140.30 चल रही है। नेचुरल गैस में अभी कोई सौदा नहीं है, 141-80, 142-20 तक अगर आप लोगों को मिलता है माल 41.80 रुपये से 42.20 रुपये तक तो सेल इनिशिएट करेंगे, 145.50 रुपये का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस कैरी ओवर कॉल है, 136 के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। 139.10 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, 136.20 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 142.10, 144.50 के। तो ये हुई हमारी नेचुरल गैस की रणनीति, 136 का टारगेट, 141.80, 142 के आसपास सेल इनिशिएट करेंगे। अभी नेचुरल गैस में कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है। गोल्ड के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 41.395, 41.180 और 41.135। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 41700 और 41860। गोल्ड में मेरे हिसाब से अब तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस कर चुके हैं, और शायद मैंने आप लोगों को मैं अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बोला है जब कोई बहुत बड़ा मुनाफा हो जाता है तब भी मैं मार्केट से एग्रेसिव कम हो जाता हूँ, यानी कि दूर हो जाता हूँ, कम रिकमेंडेशन चालू कर देता हूँ, यानी कम एग्जीक्यूशन करना चालू कर देता हूँ। और अगर कोई बड़ा नुकसान दिखता है या फिर पोजीशन कंटिन्यूस गलत जाती है एक बार दो बार तीन बार तो भी मैं काम कम कर देता हूँ। दुर्घटना से देर भली, आया हुए पैसे को पचाना होता है और जा रहा है पैसा तो उसको रोकना होता है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगा ये क्यों ऐसा करता हूँ मैं। आया हुआ पैसे को पचाना है ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि वो कम लोग पचा पाते हैं, इसलिए मैं वो टेंडेंसी आप लोगों में भी डालना चाहता हूँ कि अगर पैसा कमा लिए हैं तो मार्केट से दूर हो जाओ। जैसे कि गोल्ड 38,000 रुपये से 37,870 से लॉन्ग करवाया था, 40,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000 तक के टारगेट दिए थे, वहाँ पर एक लंबी रैली खाई थी हमने, 4100 से 4700 तक की क्रूड की रैली खाई थी हमने, 45 में सेल आइडेंटिफाई किया था, और अभी तक मैं तेज़ी नहीं बोल रहा हूँ। नेचुरल गैस को 160 से 140 तक हम लोगों ने 155 से लेके 125 तक की रैली खाई हमने, इतनी बड़ी बड़ी रैली खा चुके हैं। अगर छोटा मोटा नुकसान होता है तो उसकी वजह से माइंडसेट को निगेटिव नहीं करना चाहिए। एक दो दिन दो चार दिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वैसे मार्केट में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब मार्केट है ही साइडवेज तो क्या करेंगे, किसी के कोई लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है बाजार। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर लॉस होता है तो हमें काम क्यों कम कर देना चाहिए। जब कोई भी इकोनॉमी, अगर मैं आप लोगों को मैक्रो लेवल में बता रहा हूँ ये, अगर कभी भी कोई भी कंट्री के ऊपर अगर कोई फाइनेंशियल संकट आता है, यानी कि अगर आर्थिक संकट आता है, तो वो क्या करने लगती है, वो जॉब्स कम करने लगती हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है वहाँ पर, या अपने एक्सपेंसेस को कंसोलिडेट करना चालू कर देती है, कम करना चालू कर देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि अब भाई बजट बजट में काम करेंगे। तो इस तरह से जब देखती है आर्थिक संकट आ रहा है सरकार, कोई भी देश की सरकार, तो वो काम अपना कम करना चालू कर देती है। तो वैसे ही अगर हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में अगर हमारे कॉल्स गलत जा रहे हैं या फिर पोजीशन सही बिल्टअप नहीं हो पा रही है, साइडवेज बाजार है, तो हम लोगों को भी काम कम कर देना चाहिए। तो वही फंडे पे मैं चलता हूँ। अगर दो चार दिन आठ दिन खराब जा रहे हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन में मेरा ये समझना है कि 30 से 40 दिन खराब हो सकते हैं, और उसको एक्सेप्ट भी करना होगा हमको। 60 दिन खराब हो सकते हैं लेकिन 300 दिन हमारे होंगे। मान लेते हैं 240 दिन बाजार चलता है तो 40 दिन खराब होंगे, 200 दिन हमारे होंगे। तो उस 200 दिनों में फोकस करना है। जब हम देख रहे हैं बाजार हमारे हिसाब से नहीं रिएक्ट कर रहा है तो आराम से बैठो, लेकिन जजमेंटल मत हो कि भाई
आता ही नहीं कुछ, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए, सिल्वर गोल्ड का मैंने आप लोगों को बता दिया, गोल्ड में कुछ करना नहीं है, सपोर्ट बता दिया 395, 41180, 41135, 41700 का रेजिस्टेंस, 41860 का रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट और लेवल में आप देखिए, आपको मैंने लेवल्स दे दिए हैं, आप लोगों को अगर एग्जीक्यूशन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं परफॉर्मेंस शीट में कुछ भी एंट्री नहीं लूँगा। सिल्वर, सिल्वर अभी चल रही है 47550, 650 तक सेल करी हुई है। सिल्वर के फ्रेश सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 47222, 46980, 46810। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 47715, 48100। कोई फ्रेश व्यू नहीं है, जो भी सेल पोजीशन है उसको इन सपोर्ट्स के आसपास हम लोगों को कवरिंग करनी है और बाज़ार से दूर जाएंगे एक दो दिनों के लिए। कल भी हो सकता है मैं अग्रेसिवली आप लोगों को कोई कॉल नहीं दूँ, सिर्फ लेवल्स अपडेट करूँगा। कॉपर, कॉपर अभी चल, सिल्वर अभी चल रही है 47530, तो 222 के आसपास प्रॉफिट लेना चालू कर दीजिएगा, तो वो पोजीशन मैं भी अपने परफॉर्मेंस शीट में प्रॉफिट बुक करके हट जाऊंगा। तो गोल्ड में मेरी कोई भी परफॉर्मेंस शीट में एंट्री नहीं होगी, सिल्वर में कोई एंट्री नहीं होगी, नेचुरल गैस की एंट्री लूँगा और क्रूड हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कॉपर से भी, कॉपर में भी हमको कुछ भी नहीं करना है। कॉपर अभी चल रहा है 43130, कॉपर के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 42970, 426। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 43320, 43480। कॉपर में कोई रणनीति नहीं है। तो ओवरऑल ये हमारी कमोडिटीज़ की इवनिंग अपडेट्स थी। अब मैं आप लोगों को डॉलर में बता देता हूँ, कुछ लोग हैं जो डॉलर में चाहते हैं। मैंने आप लोगों को सुबह अपडेट किया था डॉलर में क्रूड ऑयल 53.20 तक दिखता है और इसने अभी हाई पोस्ट किया है 53.02 का, नहीं ज़्यादा पोस्ट किया होगा इसने, हाई बराबर 53.15 का पोस्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि 53.20 के ऊपर नहीं जाएगा ये, और लोअर लेवल में ये वापस से यहाँ से 52.20 डॉलर तक आ सकता है, यानी कि पूरे पूरे एक डॉलर की मूवमेंट मिल सकती है। तो ये थी हमारी कमोडिटीज़ की इवनिंग अपडेट्स। आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबके जवाब देने की। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ऐसे टाइम में आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत होती है। सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें, लेवल्स पता कर सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा परफॉर्मेंस शीट का लिंक होता है, आप उसको रियल टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। नीचे दी हुई लिंक पर चाहें तो आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।